वेलकम क्लास. तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लीनियर मेथड ऑफ कर्व सेटिंग आउट. ठीक है, सेटिंग आउट कर्व का हम लोग लीनियर मेथड इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, कर्व पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ कर्व पढ़ लिए, फिर डेजिग्नेशन ऑफ कर्व पढ़ा, फिर एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ा, फिर उसके कुछ एलिमेंट्स के फॉर्मूला कैसे उसको पता करते हैं, जैसे टेंजेंट लेंथ, लेंथ ऑफ कर्व, मिड ऑर्डिनेट, एपेक्स डिस्टेंस, फिर लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, इन सब चीजों के बारे में. फिर हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा कि कैसे हम लोग कर्व को आपका कर्व कैसे हम लोग सेट आउट करते हैं. ठीक है, सेट आउट इन द सेंस मतलब कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो अब उसमें भी आपके दो मेथड्स थे. ठीक है, दो मेथड्स क्या क्या थे आपके. पहला जो मेथड था वो क्या था, लीनियर मेथड. सेटिंग आउट मेथड क्या था, पहला लीनियर मेथड था और दूसरा क्या था आपका, एंगुलर मेथड था. दूसरा क्या था आपका, एंगुलर मेथड. ठीक है, तो अब हम लोग पहले बात करेंगे लीनियर मेथड की. ठीक है, तो लीनियर मेथड क्या था कि जिसमें हम लोग सिर्फ चेन या टेप का यूज करें. ठीक है, यूज ऑफ चेन एंड टेप, नो एंगुलर डिवाइस, नो एंगुलर या नो एंगल मेजरमेंट. ठीक है, नो एंगल मेजरमेंट मतलब लीनियर मेथड वो मेथड है जिसमें हम लोग कोई भी एंगल मेजर नहीं करते हैं. ठीक है, कोई भी एंगल का मेजरमेंट नहीं करते हैं. ठीक है, कोई भी एंगल का क्या करते हैं, मेजरमेंट हम लोग नहीं करते हैं, तो वो मेथड क्या कहलाता है हमारा, एंगुलर सॉरी लीनियर मेजरमेंट कहलाता है. तो इन दिस मेथड ओनली टेप और चेन इज यूज फॉर सेटिंग आउट द कर्व. मतलब लीनियर मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम लोग सिर्फ टेप या चेन का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, चेन या टेप का सिर्फ यूज करते हैं. ठीक है, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूज्ड. ठीक है, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज नहीं करते हैं. ठीक है, क्या नहीं यूज करते, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज नहीं करते हैं. वो मेथड जिसमें हम लोग सिर्फ टेप या चेन का यूज करेंगे और कोई भी एंगुलर या एंगल मेजरमेंट नहीं करेंगे, वो मेथड क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर मेथड कहलाएगा. ठीक है, अब देयर आर फोर मेन लीनियर मेथड. ठीक है, फोर मेन लीनियर मेथड्स होते हैं, फोर मेन लीनियर मेथड्स. तो सबसे पहला क्या है, बाय ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड. ऑफसेट्स हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, लॉन्ग कॉर्ड की हेल्प से हम लोग ऑफसेट्स जो ड्रॉ करेंगे, वो ऑफसेट जो होगा वो ऑफसेट हमारा क्या करेगा, हेल्प करेगा कर्व बनाने में. तो वो जो आपका मेथड होगा वो मेथड क्या कहलाएगा, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड. ठीक है, नेक्स्ट आपका मेथड है बाई सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क. जो आर्क हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जो आर्क हम लोग बनाएंगे या आर्क की हेल्प से अगर हम लोग कर्व बनाते हैं, तो वो मेथड कहलाता है बाई सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क. मतलब आर्क की बाइसेक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाई ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट. ठीक है, हम लोग टेंजेंट से ऑफसेट की हेल्प से आपका कर्व बनाएंगे. ठीक है, तो टेंजेंट से ऑफसेट आपका दो टाइप का होता है, एक होता है रेडियल, रेडियल ऑफसेट, एक होता है क्या होता है, रेडियल ऑफसेट, और एक होता है आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट. एक क्या होता है, परपेंडिकुलर, एक क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट. ठीक है, एक क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट. ठीक है, तो रेडियल ऑफसेट क्या होता है, जैसा नेम से क्लियर है, रेडियल ऑफसेट वो ऑफसेट होता है जो इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस हो, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई कि ये आपका रेडियस के डायरेक्शन में होगा. ठीक है, दूसरा इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्व, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्व. ठीक है, तो रेडियल ऑफसेट वो ऑफसेट होगा जो रेडियस के डायरेक्शन में हो,
और पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्व, ये क्या होगा सेंटर ऑफ कर्व से क्या करेगा पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर ऑफसेट, तो वो ऑफसेट जो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाएगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाएगा। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इट मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द टेंजेंट, फ्रॉम द टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट वो ऑफसेट होता है जो आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा टेंजेंट से, किसी भी टेंजेंट से, वो बैकवर्ड टेंजेंट हो या फॉरवर्ड टेंजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो लीनियर मेथड में इन दो ऑफसेट का भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं इन दोनों ऑफसेट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं आपके कर्व को सेट आउट करने में या बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, बाई ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कॉर्ड को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस का मतलब यहाँ भी प्रोलॉन्ग करेंगे या उसके डिस्टेंस को और बढ़ा के जो कर्व हम लोग बनाएंगे वो जो कर्व होगा, वो जो मेथड होगा वो मेथड कहलाएगा बाई ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया ओवरव्यू इन चार लीनियर मेथड्स का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो सबसे पहला मेथड है, ठीक है, बाय ऑफसेट्स फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, मतलब लॉन्ग कॉर्ड से ऑफसेट्स हम बनाएंगे और उसको बना के हम लोग क्या करेंगे आपका कर्व प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रोसीजर्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं T1 और T2 फाइंड कर लेते हैं। T1 और T2 जो फाइंड करने का तरीका है वो हमने क्या किया है, इसके पिछले लेक्चर में बताया कि कैसे हम लोग T1 T2 बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या हो जाएगा, ये है स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लोकेट T1 एंड T2, हम लोग क्या करेंगे T1 एंड T2 लोकेट करेंगे, क्या लोकेट करेंगे T1 एंड T2, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, कनेक्ट T1 एंड T2 टू फॉर्म लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। T1 और T2 को कनेक्ट करेंगे क्या बनाने के लिए, लॉन्ग कॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप हो जाएगा थर्ड स्टेप, फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ लॉन्ग कॉर्ड CD, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे लॉन्ग कॉर्ड के सेंटर पॉइंट को फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, मिड सेक्शन क्या उसका मिड ऑर्डिंग उसको क्या कहते हैं बाईसेक्शन मेथड का इस्तेमाल करके उसके मिड पॉइंट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट सपोज हम उसको क्या किस नाम से बुला लिए या किस पॉइंट से बोल दिए, डी पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका फोर्थ स्टेप है, फाइंड द मिड ऑर्डिनेट, फाइंड द मिड ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व, ठीक है, ऑफ द कर्व। हम लोग क्या करेंगे मिड ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे कर्व का। अब मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m = r(1 - cos)/2, ठीक है, 1 - cos(del/2), ठीक है। हम लोग क्या किया मिड ऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट फाइंड करने से हमारा जो एक फायदा क्या होगा, पीक पॉइंट ऑफ द कर्व मिल जाएगा, ठीक है। हमको क्या मिल जाएगा, पीक पॉइंट ऑफ द कर्व मिल जाएगा जो क्या है सी है। अब इतनी चीजें हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है क्या करेंगे, डी पॉइंट से लेफ्ट या राइट कोई भी एक डायरेक्शन चूज करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन, और हर एक्स डिस्टेंस पे क्या करेंगे ऑफसेट फाइंड करते जाएंगे। हर एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
यहां लिख देता हूं फिफ्थ पॉइंट, फाइंड द ऑफसेट आफ्टर ईच एक्स डिस्टेंस। हर एक्स डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट फाइंड करेंगे, ठीक है। हर एक्स डिस्टेंस पे क्या करेंगे हम लोग, ऑफसेट फाइंड करेंगे। से ओ एक्स, से ओ एक्स, वो क्या होगा, ओ एक्स होगा। अब ठीक है, वो हम दोनों पोर्शन में करेंगे, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में भी करेंगे, राइट साइड में करेंगे, ठीक है। अब जब हम सारे ऑफसेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, उन सारे ऑफसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वो जो कर्व वो मिलेगा, वो हमारा रिक्वायर्ड कर्व होगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर फाइंडिंग, आफ्टर फाइंडिंग द ऑफसेट्स, ऑफसेट्स कनेक्ट ऑल द ऑफसेट्स, कनेक्ट ऑल द ऑफसेट्स टू गेट द रिक्वायर्ड कर्व, टू गेट द रिक्वायर्ड कर्व, ठीक है। अब हम सारे जो ऑफसेट्स मिला है उनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमको रिक्वायर्ड कर्व मिल जाएगा। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हम ओ एक्स या हर एक्स डिस्टेंस पे ऑफसेट कैसे निकालेंगे, हर एक्स डिस्टेंस पे ऑफसेट्स कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ओ एक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर ये देखिए, यहाँ पे आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द कर्व है। ओ क्या है, मिड ऑर्डिनेट। ओ आप यहाँ देखिए, ओ क्या है हमारा, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट ओ एक्स क्या है, ऑर्डिनेट एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड से एक्स डिस्टेंस पे जो ओ एक्स होगा वो क्या ऑर्डिनेट होगा, वो ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑफसेट होगा, ठीक है। टी वन टी टू क्या है हमारा, टेंजेंट पॉइंट है। अब मिड ऑर्डिनेट हम लोग निकाले थे, मिड ऑर्डिनेट हम लोग किस फॉर्मूले से निकाले थे, आर वन माइनस कॉस डेल बाई टू की फॉर्मूले से निकाले थे। अब प्रैक्टिकली हम लोग निकालते हैं, ओ इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, आपका मिड ऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके बाद मिड ऑर्डिनेट निकल जाने के बाद हम लोग ऑफसेट निकालेंगे हर एक्स डिस्टेंस पे। तो उसका फॉर्मूला होता है ओ एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ आर। ये क्या होता है आपका, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसको हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेट और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है ओ ओ माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आर, ओ ओ माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट्स निकालते हैं। तो ये आपका टोटल पहला मेथड था, जो था आपका बाय ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड आपका है वो क्या है, आपका मेथड है बाई सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क। हम लोग आर्क के सक्सेसिव बाइसेक्शन की हेल्प से हम लोग कैसे आर्क कर्व बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, T1 और T2 हमको पता है, T1 T2 को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, T1 T2 को कनेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, डी से क्या करेंगे, ओ फाइंड करेंगे। ओ फाइंड करने का फॉर्मूला है आर वन माइनस कॉस डेल बाई टू, ठीक है। यहां से ये फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
यहां से हमको सी पॉइंट मिल जाएगा। सी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, टी वन और सी ऐड कर लेंगे, ठीक है। टी वन और सी ऐड करके फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका हाफ फाइंड कर लेंगे डी वन। डी वन से फिर हम लोग क्या करेंगे, सी वन फाइंड करेंगे, फिर हम लोग टी वन सी वन ऐड करेंगे और फिर उसका डी टू डी थ्री फाइंड करेंगे और फिर इसका हम लोग सी थ्री फाइंड करेंगे। अब ये जो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, आपका कनेक्ट कर देंगे। तो वो जो कनेक्ट होने के बाद जो हमको फिगर मिलेगा, वो फिगर क्या होगा, हमारा कर्व होगा। अब इसके स्टेप्स को देखते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स देखो, सबसे पहला स्टेप क्या करता है, ज्वाइन द टेंजेंट। पहला स्टेप क्या करता है, ज्वाइन द टेंजेंट टी वन टी टू एंड बाइसेक्ट द लॉन्ग कॉर्ड एट डी। सबसे पहले टी वन टी टू को कनेक्ट करिए और बाइसेक्ट कर दीजिए, जो हमारा लॉन्ग कॉर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक। इरेक्ट परपेंडिकुलर डी सी टू डी इक्वल टू द मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो आपका इक्वल टू किसके होगा, मिड ऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ठीक ठीक है। ज्वाइन टी वन सी एंड टी टू सी, बाइसेक्ट देम एट डी वन एंड डी टू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हम लोग फिगर में क्या किए, टी वन सी और टी टू सी को जोड़े और डी वन और डी टू उसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट करने के बाद डी वन डी टू सेट आउट परपेंडिकुलर ऑफसेट्स, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स बनाएंगे और वो जो ऑफसेट्स होगा वो क्या होगा, वन माइनस कॉस डेल बाई फोर के इक्वल होगा, और एंड ऑब्टेन पॉइंट सी वन सी टू ऑन द कर्व। और इसी तरह हम क्या करेंगे, पॉइंट्स सी वन और सी टू कर्व पे फाइंड करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सी थ्री सी फोर सी फाइव आगे प्रोसेस करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारे पॉइंट्स पे कर्व पे पॉइंट्स न मिल जाए, और उन पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे तो जो मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड कर्व होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड कर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, थर्ड मेथड है, वो क्या है, बाई ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, ठीक है। बाई ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट मतलब टेंजेंट से ऑफसेट, ठीक है। तो ये आपका दो टाइप्स का होता है, एक रेडियल ऑफसेट होता है, एक आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है, ठीक है। एक होता है आपका रेडियल ऑफसेट, एक होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है, एक होता है आपका रेडियल ऑफसेट, एक होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो रेडियल ऑफसेट वो ऑफसेट होता है जो आपका रेडियस से पास करे, पास थ्रू रेडियस एंड सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है, सेंटर ऑफ द कर्व, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है फ्रॉम टेंजेंट, 90 डिग्री फ्रॉम टेंजेंट, ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। अब वन बाय वन दोनों ऑफसेट्स की हेल्प से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका, सबसे पहला हमारा क्या है, रेडियल ऑफसेट। सबसे पहला हमारा क्या है, रेडियल ऑफसेट। अब फिगर में देखिए, फिगर में क्या है हमारा कि सबसे पहले हमको T1 पता है, T1 पता है। अब हम क्या करेंगे, T1 से x डिस्टेंस पे एक ऑफसेट निकालेंगे OX, और वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग एक मार्क कर लेंगे और रेडियस के अलॉन्ग वो मार्क होगा, ठीक है। T1 और रेडियस जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। टेंजेंट और रेडियस जो एंगल बनाता है वो आपका 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो अब OX, फिर ये क्वेश्चन आता है OX कैसे हम फाइंड करेंगे, तो OX का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन के लिए हम इसको क्या करते हैं, आपको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद जो हम अगर नेग्लेक्टिंग हायर जो पावर वाले वैल्यू है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू आर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट्स की वैल्यू निकालेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग ऑफसेट्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियल ऑफसेट मेथड। नेक्स्ट आता है आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। नेक्स्ट आपका क्या है, परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है। तो इसमें भी सेम कंडीशन वही होती है, T1
T1 से हम लोग x डिस्टेंस पे ऑफसेट निकालते हैं, लेकिन ये ऑफसेट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलरली जहां पे जाके पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट हमारा हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे फिगर में दिख रहा है T1 क्या है, स्टार्ट है, पॉइंट ऑफ कर्व है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ऑफसेट x डिस्टेंस पे ले जाएंगे और यहाँ पे जो ऑफसेट आएगा वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा और ये जो ऑफसेट होगा OX ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा, और उसके बाद हम पॉइंट इस तरह से फिक्स करते जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे और फिर यहाँ पे 90 डिग्री से एक ऑफसेट बनाएंगे, उसको हम लोग मार्क करते चले जाएंगे और लास्ट में सारे पॉइंट्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आता है OX कैसे फाइंड करें। OX फाइंड करने के लिए हमारा होता है आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है, x क्या है, जितने भी हम लोग आपका x डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं आपका क्या बोलते हैं उसको x कितने डिस्टेंस पे हम लोग ऑफसेट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, ये क्या आपका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, ये क्या आपका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपको क्या करना है, हमको अप्रोक्सीमेट भी निकालना है, ox is equal to क्या हो जाएगा x square by 2r हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन। ठीक है, इन अब ये हो गया आप लोग का कैसे हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट आपका और जो लास्ट लीनियर मेथड है वो क्या है ऑफसेट्स फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस। ठीक है, वो क्या है आपका ऑफसेट्स फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, कॉर्ड को प्रोड्यूस से जो हमको ऑफसेट मिलता है वो उसकी हेल्प से कैसे हम लोग कर्व फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, इनको देखो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है लोकेट T1 एंड T2। T1 और T2 को हम लोग क्या करते हैं लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, T1 और T2 को क्या करेंगे लोकेट करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या है कि हम लोग लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करेंगे। क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व एंड कॉर्ड, सॉरी सब कॉर्ड एंड सब कॉर्ड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करेंगे सब कॉर्ड। सब कॉर्ड बता चुका है पहले क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, थर्ड स्टेप क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि एंगल सॉरी एंगल कह रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि कॉर्ड की लेंथ फाइंड करेंगे। जैसे हम लोग क्या किए कि हम लोग को कॉर्ड पता चल गया, सब कॉर्ड पता चल गया, तो सबसे पहले हम लोग सब कॉर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले सब कॉर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग एक पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, एक सब कॉर्ड प्रोड्यूस किया, जैसे एक सब कॉर्ड बनाए और इस सब कॉर्ड पे हम लोग क्या करेंगे आपका OX डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक सब कॉर्ड बनाए फिर उस पर OX डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर सब कॉर्ड बनाए फिर उस पर OX डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे और जो OX मिलेगा उसको क्या करेंगे पॉइंट आउट या पैग से फिक्स करते जाएंगे और लास्ट में उसी को हम लोग मैच कर देंगे। तो वो जो हमारा होगा क्या होगा आपका नेक्स्ट कर्व बनेगा, रिक्वायर्ड कर्व बनेगा। ठीक है, अब देखो पहला जो कॉर्ड बनाएंगे वो क्या होगा सब कॉर्ड होगा। सब कॉर्ड क्या होता है, वन चेन लेंथ से कम की डिस्टेंस को हम लोग सब कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बनाएंगे वो क्या होगा आपका C2, जस्ट फॉर एग्जांपल फिगर में C2 है तो वो क्या होगा फुल चेन लेंथ का होगा, C3 फुल चेन लेंथ का होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब तक आपका लास्ट जब आएगा तो जो लास्ट सब कॉर्ड होगा वो भी क्या होगा लास्ट कॉर्ड जो होगा वो भी क्या होगा सब कॉर्ड ही होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि हम लोग ऑफसेट निकालने के लिए ठीक है फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है ON इज इक्वल टू CN अपॉन 2R CN माइनस 1 प्लस CN। ठीक है, ये आपका क्या होता है ऑफसेट निकालना होता है। ठीक है, लास्ट और nth ऑफसेट। ठीक है, फॉर्मूला फॉर nth offset निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, where cn is the last subchord, cn क्या होगा last subchord होगा, cn क्या होगा last subchord होगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं आपका ऑफसेट
निकालते हैं इन केस ऑफ कॉर्ड प्रोड्यूस। ओके, अब ये हो गया हमारा लीनियर मेथड। ठीक है, तो लीनियर मेथड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन या तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने को आ जाएगा कि आप इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिख के बताइए कि क्या क्या स्टेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ सकता है, आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, आपसे क्या करेगा, कुछ न्यूमेरिकल दे देगा, बोलेगा कि इसमें कितना ऑफसेट बन रहा है, उन ऑफसेट्स की वैल्यू बताइए हमको। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है एंगुलर मेथड, और इसको हम लोग कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी बोलते हैं। इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ठीक है, अब क्या होता है, दिस मेथड आर यूज्ड व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज लार्ज। हम लोग एंगुलर मेथड कब यूज करेंगे, जब आपका लेंथ ऑफ कर्व जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, लार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट द एंगुलर मेथड्स आर। ठीक है, एंगुलर मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है रैंकाइन मेथड, दूसरा है टू थर्डोलाइट मीटर, तीसरा है टैक्योमीटर मेथड। अब देखो इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, थर्डोलाइट है या टैक्योमीटर है, इसीलिए इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ठीक है, अब देखो सबसे पहला मेथड जो है वो हमारा क्या है, रैंकाइन मेथड है। ठीक है, रैंकाइन मेथड ऑफ टेंजेंशियल एंगल। ठीक है, अब देखो रैंकाइन मेथड के अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो डिफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। अब वो डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, वो एंगल जो आपका बैक टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनता है, वो एंगल क्या होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल होता है। ठीक है, वो एंगल क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है। द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द बैक टेंजेंट एंड द कॉर्ड इज नोन एज डिफ्लेक्शन एंगल इन केस ऑफ रैंकाइन मेथड। ठीक है, देखो वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, अ डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज द एंगल एट पॉइंट ऑफ कर्व बिटवीन बैक टेंजेंट एंड द कॉर्ड प्रोड्यूस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्व टू दैट पॉइंट। पीसी यहाँ पे है पॉइंट ऑफ कर्व, पीसी इज नोन एज पॉइंट ऑफ कर्व। पीसी क्या है आपका, पॉइंट ऑफ कर्व है। क्लियर, डिफ्लेक्शन एंगल समझ में आ गया। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे उसका प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है सेट आउट द T1 एंड T2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, T1 एंड T2 फिक्स करेंगे। सेट द थर्डोलाइट एट T1, T1 पे क्या करेंगे हम लोग, थर्डोलाइट फिक्स करेंगे। विथ बोथ द प्लेट क्लैम टू जीरो डायरेक्ट द थर्डोलाइट टू बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम लोग क्या करेंगे, अपर और लोअर प्लेट को जीरो पे क्लैम करेंगे और थर्डोलाइट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास ले जाएंगे, साइट करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को साइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, रिलीज द अपर क्लैंप स्क्रू एंड सेट एंगल डेल्टा 1 टू वर्नियर। हम लोग क्या करेंगे, अपर क्लैंप को लूज करेंगे और डेल्टा 1 एंगल बनाएंगे वर्नियर के साथ। अब यहां देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहां T1 V देखे, उसके बाद डेल्टा 1 एंगल बना दिए। ठीक है, विद द जीरो एंड ऑफ द टेप पॉइंटेड एट T1। अब क्या करेंगे, जीरो एंड, जो टेप का जीरो एंड होता है उसको T1 पॉइंट पे रखेंगे एंड एन एरो नैरो, सॉरी इट इज एरो हेल्ड एट द डिस्टेंस T1 इज इक्वल टू C1, स्विंग द टेप अराउंड T1 टिल द एरो इज बाइसेक्टेड बाय द क्रॉस हेयर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक एरो लेंगे। ठीक है, जो आपका डिस्टेंस होगा T1 A के अप्रॉक्स, और क्या करेंगे, टेप को स्विंग करेंगे, मतलब डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। सिंपल सा मतलब है, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, रिलीज द अपर प्लेट एंड सेट द सेकेंड डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा 2 ऑन द वर्नियर सो दैट द लाइन ऑफ साइट इज डायरेक्टेड अलोंग द T1 B। ठीक है, सर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, T1 से ही हम लोग B के तरफ लाइन ऑफ साइट रखेंगे। ठीक है, और जो एंगल हमारा बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, डेल्टा 2 बनेगा। वो एंगल कितना बनेगा, डेल्टा 2। यहाँ पे देखिए ये डेल्टा 2 एंगल हमको दिख रहा है। ठीक है,
अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, टी वन पे एरो रख के हम लोग टी वन बी का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, टी वन का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि विद द जीरो एंड ऑफ द टेप पी नेट एरो हेल्ड डिस्टेंस ए बी सी टू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब टी वन से बी का डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे और उसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। अब जो आपका लास्ट टू स्टेप था, ठीक है, लास्ट टू जो स्टेप था उसको हम लोग रिपीट करेंगे, कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हम लोग टी वन से आपका टी टू तक नहीं पहुंचाते, मतलब पॉइंट ऑफ कर्व से, पॉइंट ऑफ कर्व से हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, पॉइंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए, उसके बाद सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे और जो कर्व मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड कर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू थियोडोलाइट मेथड, नेक्स्ट आता है क्या आपका टू थियोडोलाइट मेथड, ठीक है। तो जैसा ये मेथड का नेम है आपका कि इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेथड इज टू थियोडोलाइट, ठीक है, क्या है आपका कि दो थियोडोलाइट की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम क्या जरूरत पड़ेगी आपकी, दो थियोडोलाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब वो दोनों थियोडोलाइट कहाँ होगा, पहला जो थियोडोलाइट रखेंगे हम लोग वो कहाँ रखेंगे, T1 पॉइंट पे, पहला थियोडोलाइट जो हम लोग रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, T1 पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा थियोडोलाइट होगा वो कहाँ होगा, T2 पॉइंट पे होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, T1 से V एंगल, V पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग देखेंगे, सर्च करेंगे और क्या करेंगे, डेल्टा वन एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट कहाँ आ गया, ए पे। सिमिलरली हम लोग टी टू से लॉन्ग कॉर्ड से डेल्टा वन एंगल मेजर करेंगे और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो हमारा क्या बताएगा, ए पॉइंट का एग्जैक्ट पोजिशन बताएगा। इसी तरह हम सारे पॉइंट्स निकालते जाएंगे, ए बी सी डी जितने पॉइंट्स मिलेंगे और उनको हम लोग मैच कर देंगे, जो जो रिक्वायर्ड फिगर आएगा, वो जो रिक्वायर्ड कर्व आएगा वही हमारा कर्व होगा, क्लियर। अब इसके स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो इन दिस मेथड टू थियोडोलाइट्स आर यूज, वन एट पॉइंट ऑफ कर्व एंड वन एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, एक जो होगा पॉइंट ऑफ कर्व पे होगा और एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे होगा, ठीक है। इन दिस मेथड टेप चेन इज नॉट रिक्वायर्ड, टेप और चेन नहीं रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये मेथड कहाँ सुटेबल होगा, जहां पे हम लोग चेनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। दिस मेथड यूज व्हेन द ग्राउंड इज अनसुटेबल फॉर चेनिंग, जहां पे हम लोग लीनियर मेजरमेंट नहीं कर सकते वहां पे हम लोग टू थियोडोलाइट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया एंगल VTA क्या है आपका, डेल्टा वन है, फिर है डेल्टा टू, ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड है टेक्योमीट्रिक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड एंगुलर मेथड है वो क्या है आपका, टेक्योमीटर मेथड, ठीक है। तो टेक्योमीटर मेथड हम लोग कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज सेट द टेक्योमीटर एट टी वन एंड साइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन द रीडिंग इज जीरो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, टेक्योमीटर को T1 पे सेट करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखेंगे और उस समय जो रीडिंग होगी हमारी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। सेकंड, सेट द डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा वन ऑन द वर्नियर एंड दस डायरेक्टिंग द लाइन ऑफ साइट T1 अलोंग T1A, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा वन करेंगे वर्नियर पे जो मेजर करेंगे और जो लाइन ऑफ साइट होगी हमारी कहाँ होगी, T1A पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट द स्टाफ मैन, डायरेक्ट द स्टाफ मैन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ T1A टिल द कैलकुलेटेड स्टाफ इंटरसेप्ट S1 इज ऑब्टेन्ड, द स्टाफ इज जनरली हेल्ड वर्टिकल, फर्स्ट पॉइंट A इज फिक्स्ड। हम लोग क्या करेंगे कि टैक्योमीटर में जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कि हम लोग डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, देखो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है वो हम लोग मेजर करते चलते हैं, ठीक है। तो स्टाफ इंटरसेप्ट हम लोग पहले से कैलकुलेट कर लेंगे कि कहाँ पे वो पॉइंट जाएगा, ठीक है। अब स्टाफ मैन को हम डायरेक्शन देंगे कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाओ जहां पे ये स्टाफ इंटरसेप्ट हमको मिल रहा है। अब वो पॉइंट मिल गया, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए को
फिक्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा 2 निकालेंगे T1B के अलॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद स्टाफ को हम लोग सेम वही फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हुए H2 पॉइंट तक हम लोग ले जाएंगे जो आपका B पॉइंट बताएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग CDE पॉइंट्स निकालेंगे और पॉइंट्स निकालने के बाद हम लोग उन पॉइंट्स को मैच कर देंगे, वो जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा पॉइंट क्या होगा, या वो जो कर्व सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो फिगर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड कर्व होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगुलर मेथड्स और लीनियर मेथड, ठीक है। तो इन मेथड्स को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, स्टेप्स फिगर देख लीजिएगा, और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके टोटल मेथड्स थे सेटिंग आउट ऑफ कर्व के, कि कर्व को कैसे हम लोग सेट आउट करेंगे इन द ग्राउंड, ग्राउंड में कैसे हम लोग कर्व को सेट आउट करेंगे, ठीक है। सेट आउट द मीन्स कैसे हम लोग बनाएंगे इन द कर्व, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया आपका लीनियर मेथड। लीनियर मेथड में चार मेथड थे, ऑफसेट, लॉन्ग कॉर्ड, बाइसेक्शन कर्व, टेंजेंट, कॉर्ड प्रोड्यूस। उसके बाद फिर आपका था एंगुलर मेथड। एंगुलर मेथड में आपके तीन मेथड थे, रैंकाइन, टू थर्ड लाइट, टैकोमीटर मेथड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका ट्रांजिशन कर्व से स्टार्ट करेंगे, कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, कौन सी वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं, कहाँ चीजें यूज होती हैं, ठीक है। इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।